सोयाबीन तेजी के रथ पर सवार हो गई है। सोमवार को सोयाबीन में दिन भर तेजी का रुख रहा था। देश और प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन की भरपूर आवक भी रही थी। इसके बावजूद कीमतों में तेजी आती रही। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की आवक 3.5 लाख बोरी रही थी, जबकि देश में कुल आवक 7.5 लाख बोरी से ज्यादा मानी जा रही थी। सोमवार को मंडियों में सोयाबीन के दाम 6100 से लेकर 6500 और प्लांट खरीदी 6700 रुपए क्विंटल तक बोले गए थे। सोया तेल की डिमांड चारों तरफ की बनी हुई है, जिसकी पूर्ति प्लांट नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल प्लांटों को सोयाबीन ऊंचे दामों पर मिल रहा है। बीते सप्ताह में कांडला पोर्ट पर सोया तेल के दाम 1.5 रुपए से 2 रुपए तक बढ़ गए थे। अक्टूबर का आयात भी घटा है। दीपावली निकलने के बाद आयातकों ने घरेलू फसल की उम्मीद में आयात कम किया है। विदेश बाजारों से भी सप्लाई टाइट होने लगी है। इसके असर से सोयाबीन में अब जोरदार तेजी नजर आ रही है। शाम तक वायदा में भी अपर सर्किट लगता नजर आया था। NCDX पर सोमवार को सोयाबीन ने 6132 पर कारोबार शुरू करने के बाद 6429 का स्तर छू लिया था। वहीं NCDX पर सोयाबीन के दिसंबर वायदा में 6780 का स्तर देखने को मिल चुका है, जिससे अब जानकर यही अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर सोयाबीन की कीमतें वायदा में 6800 के ऊपर सस्टेन हो जाती हैं तो 7000 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं हाजिर मंडी की बात की जाए तो उज्जैन मंडी में सोयाबीन 7299 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिकती नजर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।